दोस्तों वैल्यूएशन के हिसाब से भारत दुनिया का फोर्थ लार्जेस्ट ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है। इसी के साथ ये फिफ्थ लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी है। अतीत में इस बड़े इंडस्ट्री का एक बेताज बादशाह हुआ करता था। आज ओला उबर के जमाने में हम भले ही उसको भूल चुके हैं, लेकिन एक लंबे समय तक भारत के सड़कों में राज करता था हिंदुस्तान मोटर्स का एम्बेसडर कार। 70, 80, 90 के दशकों में लगभग सभी पॉलिटिशियंस के पास व्हाइट कलर की एम्बेसडर कार हुआ करता था। किंग ऑफ इंडियन रोड के नाम से मशहूर ये कार लास्ट मैन्युफैक्चर हुई थी 2014 में, और खबरों के मुताबिक ये किंग एक नए अवतार में कर रहा है वापसी। लेकिन उस पे चर्चा करने से पहले जानते हैं इसकी बैक स्टोरी। 1958 में इसकी जर्नी स्टार्ट हुई थी भारत की पहली डीजल कार के रूप में। आज के मेक इन इंडिया अभियान से कई सालों पहले संपूर्ण रूप से भारत में बनने वाली ये पहली कार थी। इसका मेन फैक्ट्री था वेस्ट बंगाल के हुगली जिले के उत्तरपाड़ा में। इसका डिजाइन इंस्पिरेशन था मॉरिस मोटर्स लिमिटेड का ऑक्सफोर्ड सीरीज 3 कार, जो यूके में 1956 से 59 के बीचों बीच बनती थी। 7 जनरेशन पुरानी और 56 साल की मैन्युफैक्चरिंग हिस्ट्री वाली ये कार इनके ओनर्स के लिए आज भी एक करीबी सेंटिमेंटल वैल्यू का विषय है, क्योंकि हिंदुस्तान मोटर्स बिरला ग्रुप ओन करती है और आजादी के आंदोलन के साथ उनका पुराना कनेक्शन है। इसीलिए ये ब्रांड भारत की जनता के लिए एक स्वदेशी सिंबल रहा है। इसके कोर फीचर्स हैं इसकी मजबूत बिल्ड क्वालिटी और कंफर्टेबल राइड। इसकी लॉन्गजेविटी और सर्विस कैपेबिलिटीज की वजह से टैक्सी ड्राइवर्स भी इसको पसंद करते थे। एक वक्त पे एम्बेसडर ओन करना इंडियन मिडिल क्लास के लिए एक सपना हुआ करता था। एलीट और पॉलिटिशियंस के लिए ये एक पावर स्टेटमेंट हुआ करता था। कहा जाता है कि इन 56 सालों में जितने भी एम्बेसडर मैन्युफैक्चर हुए, उसके 16% इंडियन गवर्नमेंट ने ही खरीद लिए थे। सभी सरकारी अधिकारी इसी का इस्तेमाल करते थे। आज की दुनिया में बहुत ही कम ऐसी गाड़ियां हैं जो लंबे समय से लगातार टैक्सी के रूप में यूज हो रहा है। जनता फेवरेट एम्बी उन्हीं में से एक है। इनफैक्ट 2013 में बीबीसी का फेमस ऑटोमोबाइल शो टॉप गियर में एम्बेसडर को वर्ल्ड्स बेस्ट टैक्सी का खिताब मिला था। अफसोस, अगले ही साल चुनौतियों से गुजर रही इस ब्रांड का मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दिया गया। एक ब्रांड के रूप में एम्बी को सबसे पहली चुनौती मिली थी 80 के दशकों में, जब मारुति ने मार्केट में कदम रखा। एक स्टाइलिश, मॉडर्न और अफोर्डेबल कार आते ही इसने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। फिर भी एम्बी अपने दम पे कंपटीशन पे टिका था। लेट 90s और अर्ली 2000s में इसकी पॉपुलैरिटी ड्रास्टिकली कम होती गई। नए नए फीचर्स के साथ और नए ब्रांड्स मार्केट में आने लगे। दो ऐसी घटनाएं घटी जिससे सरकार भी एम्बेसडर से पीछे हटी। पहला, एक रैली में जाते वक्त इस गाड़ी का ब्रेकडाउन होना, और दूसरा पार्लियामेंट में मिलिटेंट अटैक्स होना। इन सिक्योरिटी कंसर्न्स के चलते देश के स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप ने एडवांस टेक फ्रेंडली आर्मर्ड व्हीकल्स को अडॉप्ट करना शुरू किया और एम्बी ने अपना ऑफिशियल स्टेटस खो दिया। लेकिन लोगों के दिलों से एम्बी का इंप्रेशन नहीं मिटा। 2017 में हिंद मोटर्स के ओनर सी के बिरला ग्रुप ने फ्रेंच ऑटोमेकर पीएसए ग्रुप के साथ एक डील किया। पीएसए ग्रुप वही है पिजेट, सिट्रियन और डीएस जैसे फेमस ब्रांड्स को ओन करते हैं। 50-50 पार्टनरशिप के साथ वो एम्बेसडर को रिवाइव करने वाले हैं 700 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ। हाल ही में ये खबर आई है कि ये रिवाइवल होने वाला है ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल के रूप में। यही नहीं, एम्बेसडर का सबसे पहला ईवी अवतार होने वाला है एक स्कूटर के रूप में। उसके बाद आएगा फोर व्हीलर्स। 1958 में एम्बी का प्राइस था 14,000 रुपीस, जो बढ़कर 2014 में हुई थी रुपीस 5.22 लाख। करंट स्पेकुलेशन ये है कि इस बार इसका प्राइस होने वाला है 1.5 लाख के आसपास। अगले 2 सालों में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगी। क्या एम्बी फिर से नए कस्टमर्स के दिलों में अपनी जगह बना पाएगी? अपनी राय कमेंट में बताएं। आज का वीडियो बस इतना ही। पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू रूट सीकर।